यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रहों के राजा सूर्य की स्थिति अच्छी है तो आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी देखने को नहीं मिलेगी। सूर्य एक ऐसा अकेला ग्रह है जो आपके जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ दे सकता है, सभी ऐश्वर्यों को सूर्य दे सकता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत की स्थिति में हो, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, सूर्य मजबूत नहीं है, तो उसके साथ में कई बार देखा जाता है कि आपके अथक प्रयास करने के बावजूद भी आपको बहुत प्रयास करने के बावजूद भी आपको वो सफलता नहीं मिलती जिसके आप हकदार होते हैं। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में लेकर उपस्थित हूँ कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब है तो आप बहुत ही छोटे बहुत ही सरल उपाय से अपने सूर्य को मजबूत कर सकते हैं और आप अपने जीवन में दिन दुराना चौगुना उत्तरोत्तर वृद्धि कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप सभी का अर्पण ज्ञान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य खराब है, सूर्य के द्वारा आपको अच्छा फल नहीं मिल रहा है, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत है और उसके साथ में आप और उनको अनुकूल और मजबूत करना चाहते हैं तो यह उपाय आपके लिए है। यह उपाय करने से आपके जीवन में सुगमता, सरलता, सम्पन्नता, परिवार में, समाज में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की वृद्धि होगी और आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको यह बात ध्यान रखना है कि आपको यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है तो आपको सूर्योदय के पूर्व उठना है। पहला काम आपको यही करना है, सूर्योदय के पूर्व आपको उठ करके स्नान ध्यान करके भगवान सूर्य की आपको पूजा करनी है। इसके साथ में रविवार के दिन जितने भी लाल फूल के वृक्ष होते हैं उनको आपको जल देना चाहिए, क्योंकि जल देने से सूर्य की मजबूती होती है और सूर्य के द्वारा आपको अनुकूल परिणाम मिलता है। इसके साथ साथ में दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान सूर्य के सूक्त का आपको पाठ करना चाहिए और नहीं तो सूर्य के बीज मंत्र का या तो आप या किसी ब्राह्मण के द्वारा 28,000 जाप करना चाहिए जिससे कि आपको सूर्य का अनुकूल फल मिले और आप अपने जीवन में दिन दुना रात चौना उत्तरोत्तर वृद्धि करें। यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत है, यदि आप सूर्य के बीज मंत्र का पाठ कराते हैं 28,000 बार तो वो और अच्छा परिणाम देते हैं। यदि सूर्य आपकी जन्म कुंडली में उनकी स्थिति ठीक नहीं है, आप सूर्य के 28,000 बार किसी ब्राह्मण के द्वारा या खुद स्वयं यज्ञ का जाप करते हैं तो आपके जीवन में सूर्य अनुकूल परिणाम देंगे। इसके साथ साथ में दोस्तों आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति नहीं है ठीक है तो उस स्थिति में भी आपको अपने हाथ में जो लाल कलावा है वह 6 बार लपेट कर अपने हाथ में लाल कलावा 6 बार लपेट कर जब बांधते हैं तो इससे आपको सूर्य के अनुकूल होने के बहुत ही ज्यादा योग्य प्रयोग बनते हैं और आपके जीवन में सूर्य के द्वारा बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ में यदि आप तांबे के लोटे में जल रखते हैं रात को और सुबह उठकर उसको पीते हैं इससे भी सूर्य मजबूत होते हैं, इससे सूर्य की स्थिति अच्छी होती है और आपके जीवन में अनुकूल परिणाम देखने को मिलते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में आपको 5 रत्ती का माणिक यदि आप अपनी अनामिका अंगुली में धारण करते हैं इससे सूर्य का प्रभाव आपके जीवन में बहुत ही अनुकूल मिलता है और सूर्य आपको अनुकूल परिणाम देते हैं। रविवार के दिन आप गाय को गेहूं खिलाइए, बंदरों को गुड़ खिलाइए, गाय सांड को गुड़ खिलाइए, इससे सूर्य की अनुकूलता आपके जीवन में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। रविवार के दिन यदि आप गेहूं का दान करते हैं किसी गरीब ब्राह्मण को, गरीब व्यक्ति को जो दान के योग्य है, इससे मिट्टी में गेहूं का आप दान करते हैं तो भगवान सूर्य के द्वारा आपके जीवन में बहुत ही अच्छे अनुकूल परिणाम को मिलते हैं। और जैसा कि हम आपको विदित है ग्रहों में सूर्य राजा है, यदि राजा ही आपके पक्ष में हो और जब राजा ही देने पे आ जाए तो कोई और क्या कर सकता है, इसलिए यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत है तो आप समझिए आपको सफल होने में कोई भी व्यक्ति रोक नहीं पाएगा और आप अपने जीवन में सारे काम करके चले जाएंगे। जो भी आपके कार्य में बाधाएं आ रही है वह स्वतः संपन्न होना शुरू हो जाती है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, यदि आप 5 रत्ती का माणिक पुनर्वसु में अपनी अनामिका अंगुली में धारण करते हैं तो बहुत ही अच्छा परिणाम आपको मिलता है। यदि रविवार के दिन आप गाय को गेहूं खिलाते हैं, बंदरों को गुड़ खिलाते हैं, सांड को गुड़ खिलाते हैं, इससे भी सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और आप अपने जीवन में दिन दुना रात चौगुना वृद्धि करेंगे। तो दोस्तों ये छोटा सा सूर्य के लिए उपाय था, यह उपाय आपके जीवन में बहुत ही ऐसा परिवर्तन लाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा शुभ परिवर्तन लेगा, आपके जीवन में अनुकूलता लेकर आएगा। यह छोटा सा उपाय है, यह उपाय आप करेंगे तो जरूर आपके जीवन में सुगम, सरल और सम्पन्नता के मार्ग प्रशस्त होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ छोटी जानकारी आपको अच्छी लगी, प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिए।